जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप टीम इंडिया को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एशिया कप 2023 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हो गया है। फाइनल समेत इन मैचों के बदलेंगे वेन्यू, नहीं खेला जाएगा वहाँ पे फाइनल। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो गया कि फाइनल के वेन्यू बदलने पड़ रहे हैं शेड्यूल के एशिया कप के मैचों में, ऐसा क्या हो गया देखने वाले इससे बड़ी अपडेट को इस वीडियो के थ्रू। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सभी भाग लेने वाली टीमों को एशिया कप के शेड्यूल में बदलाव के बारे में सूचित कर दिया गया है और एशिया क्रिकेट परिषद ACC द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है। एशिया कप 2023 के आयोजन 2023 के आयोजन को लेकर के एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की मुश्किलें कम होने का नाम ले लिया है। इस साल एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, मगर BCCI ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट के कुछ मैच भारत में पाकिस्तान में हो रहे हैं और कुछ श्रीलंका में, मगर अब श्रीलंका में बिगड़ते मौसम की वजह से ACC को एक बार फिर शेड्यूल में बदलाव करना पड़ सकता है। की खबर के अनुसार श्रीलंका में होने वाले सभी सुपर चार मुकाबलों सहित फाइनल कोलंबो से हबनडोटा से खेले जा सकते हैं। ACC जल्दी इसका आधिकारिक घोषणा करने वाली है। श्रीलंका में इस समय मानसून के चलते मौसम खराब है, लगातार हो रही बारिश के चलते वहां कई मैच डूब चुके हैं और आगे कई मैच बारिश की भेंट चढ़ने की संभावना पर है। अभी तक बारिश की वजह से भारत के दोनों ही मैच ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसमें टीम इंडिया वर्सेज पाकिस्तान बहुप्रतीक्षित मुकाबला तो रद्द ही हो गया है। एशिया कप 2023 का अगला राउंड यानी सुपर फोर और फाइनल समेत कुल 6 मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने हैं, मगर मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 हफ्ते कोलंबो में जोरदार बारिश है। ऐसे में टूर्नामेंट को ACC कोलंबो से हबनडोटा शिफ्ट करने की तैयारी में है। तो ये बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद वंदे मातरम।